अक्षरा सिंह, जी हाँ, भोजपुरी का जाना माना चेहरा अक्षरा सिंह जो है वो पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती है। ये खबरें आ रही हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें पवन सिंह जो है वो आरा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कई इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए बजाबते पवन सिंह जो है वो बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं के संपर्क में है। अब इसे लेकर देखिए जो ताजा खबर आ रही है उसके अनुसार अक्षरा सिंह जो कि बड़ी प्रतिद्वंदी मानी जाती है पवन सिंह की, कभी उनके साथ पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह के जो संबंध है वो बेहद मधुर रहे हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों से सालों से आप कहिए अक्षरा सिंह और पवन सिंह की नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और इसे लेकर खबरें जो आ रही हैं कि अक्षरा सिंह जो है वो लगातार जदयू के संपर्क में है कि अगर बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव या 2025 का विधानसभा चुनाव किसी सीट पर पवन सिंह को उतारती है तो उसी सीट से अक्षरा सिंह जो है वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। देखिए एक और खबर है, लगातार जाति को लेकर जो सवाल उठते हैं, पवन सिंह जो है वो राजपूत जाति से आते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह की जाति को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा विवाद जरूर खड़ा होता है। देखिए आपको बता दें कि अक्षरा सिंह जो है वो मूलतः नालंदा की रहने वाली है और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो राजपूत नहीं बल्कि कुर्मी जाति से आती हैं। हालांकि यह सवाल है कि आखिरकार सही में अक्षरा सिंह जो है वो किस जाति से आती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि लगातार जदयू के कई नेताओं के संपर्क में जो है वो अक्षरा सिंह हैं और पार्टी से लगातार टिकट के लिए जो पैरवी है वो भी किया जा रहा है। क्योंकि देखिए एक तरफ पवन सिंह जो है वो लगातार दावेदारी कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा से, यानी आरा जो लोकसभा सीट है जहां से मौजूदा सांसद आरके सिंह है, उसी सीट से पवन सिंह जो है वो ताल ठोक सकते हैं बीजेपी से, लगातार टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी के कई स्टार, चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो या दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हो, ये तमाम जो लोग हैं ये सांसद बन चुके हैं और ऐसी स्थिति में अब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जो है वो भी राजनीति में कदम रखना चाहते हैं और पवन सिंह इसके लिए ज़्यादा ही उतावले हैं। वे 2024 में ही ताल ठोकना चाह रहे हैं। तो इधर अक्षरा सिंह जो कभी पवन सिंह के बेहद करीब रही हैं, एक अच्छी मित्र रही हैं, काफ़ी मधुर संबंध रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी तकरार वाला रिश्ता है पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच। और अब जो खबरें आ रही हैं कि अक्षरा सिंह लगातार जदयू के कई नेताओं के संपर्क में हैं और टिकट के लिए मांग भी कर रही हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी के और भी कई स्टार जैसे गुंजन सिंह हैं, सीमा सिंह हैं, ये लोग चिराग पासवान के संपर्क में हैं। तो इधर अक्षरा सिंह जदयू के संपर्क में हैं और पवन सिंह जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। तो पूरा आप भोजपुरी इंडस्ट्री कह सकते हैं, भोजपुरी के जो कलाकार हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं, वे सभी के सभी अब धीरे धीरे बिहार में राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टार हैं जो सांसद बन चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार अभी बाकी हैं जो शायद किसी संवैधानिक पद पे नहीं हैं और उनकी ये दिली हसरत है कि जल्द से जल्द उन्हें संवैधानिक पद, विधायक, सांसद जो होते हैं वो बन सके।